आज यहाँ बसना में हमारे इस मंडल के इसमें जितने भी यहाँ पर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, इसके अलावा जनपद सदस्य, कुछ पार्षदगण, ये सभी युवा एकत्रित हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा करी थी कि 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जाए, तो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने अपने जो बोला था उसको कथनी और करनी को एक करते हुए उन्होंने 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दिया और यह बिल्कुल एक मत होकर के लोकसभा राज्यसभा में यह विधेयक संशोधित होकर के पारित हुआ है। उस खुशी को लेकर के साथ ही साथ एक और अभी प्रस्ताव जो है प्रस्तावित हुआ है UBI स्कीम, जिसके तहत जो है पूरे देश के ऐसे गरीब किसान जिनकी भूमि भी ना हो और साथ ही साथ जिनकी भूमि है, साथ ही साथ जो बेरोजगार है और गरीबी रेखा के नीचे जो अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, उन सभी को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता के हिसाब से एक मुश्त राशि 30,000 रुपये की उनके खातों में सीधा सीधा दी जाएगी। इस चीज़ की भी घोषणा अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर की है और उसी को देखते हुए आज सभी यहाँ युवा एकत्रित होकर के आतिशबाजी करके मिठाई बाँट के आपस में एक दूसरे को मुँह मीठा करा करके इस चीज़ की हम लोगों ने खुशी मनाई है। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जो घोषणाएं की है, आने वाले चुनाव में उसका फायदा मिलेगा लोकसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कुछ भी नहीं करी है, घोषणा करती है कांग्रेस पार्टी, घोषणा पत्र चलता है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसी कोई घोषणा नहीं करी थी कि वो हर गरीब को 1.5 लाख रुपए का मकान बना के देगी, लेकिन आज देख लीजिए हर गांव में, हर पंचायत में 100 से 150 जो मकान जो है 1.5 लाख रुपए उनके खाते में सीधा डायरेक्ट दे करके उनका घर बना रहे हैं। शौचालय बोली थी, ऐसा कोई घोषणा पत्र में नहीं था कि हर घर में शौचालय होगा, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने बना करके दिया है। और इसके अलावा ऐसी कई योजनाएँ हैं जिसका नाम तो शायद हम कार्यकर्ता नहीं जानते हैं, लेकिन वो लगातार गरीबों से जुड़ी हुई है, उसका चिंता करते रहिए। और आगामी चुनाव में भी जो हमारा जो घोषणा पत्र रहता है भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल 3 मुद्दों में लड़ा जाता है, विकास, सबका विकास, संपूर्ण विकास, और यही मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में भी। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर हम सभी जो युवा मोर्चा है, हम लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सवर्ण समाज से आप देना चाहेंगे, 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, क्या लगता है आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे कोई फायदा मिलने वाला है? देखिए, फायदा मिले चाहे मत मिले वो अलग मैटर है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये जो सामान्य वर्ग को हम आरक्षण 10% दिए हैं, वो कोई जातिगत नहीं है, वो आर्थिक है, सबसे बड़ी बात है आर्थिक। हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लाते हैं उसमें देश हित को ध्यान में रखते हुए लाते हैं, और ये आर्थिक आधार पर दिया गया है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री का सर्वश्रेष्ठ निर्णय है, जिसका हम युवा वर्ग, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता सब उनको बधाई देते हैं। हर बार की 2019 के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी फायदे वाली बात ही सोचती ना, चुनाव वाली बात ही सोचती, जो सबके हित में होता है, देश के हित में होता है, उन सब चीज़ों को सोचती है और सबके लाभ के लिए काम करती है। तो हमारा जो नारा है उसी के अनुरूप हमने काम किया है, सबका साथ सबका विकास। जो गरीब तबके के लोग, जो किसी सब वर्ग में OBC ST SC में नहीं आते थे, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे आज़ादी की बात से, अभी तक इनको लाभ नहीं मिल पाया था, वैसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी है और उन सवर्ण लोगों को 10% लाभ दिया है। आगामी देखिएगा, उनके भी अब जीवन यापन उच्च स्तर में आएगा और उसी के अनुरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके हित के लिए ये स्कीम को लॉन्च की है।